हेलो गाइस, इट्स फ्लाइंग गौरव हियर। और दुनिया में ऐसे कई साइंटिस्ट हैं जिनकी मौत इन्वेंशंस के दौरान होती है। बट वेट, क्या सच में इनकी मौत इन्वेंशंस से ही होती है या इसके पीछे की वजह कोई और है? क्योंकि लुई स्लॉटिन, जिन्होंने सबसे पहले प्लूटोनियम बॉम्ब इन्वेंट करके वर्ल्ड वॉर टू में बहुत बड़ा योगदान दिया था, उनकी इस इन्वेंशन को एग्जीक्यूट करते वक्त उनकी मौत हो गई थी। बट कई फिजिसिस्ट का यह भी मानना है कि ये प्रिवेंटेबल एक्सीडेंट था। इनफैक्ट एक और साइंटिस्ट है, वैलेरियन एबाकोव्स्की, इनकी भी मौत एक एक्सीडेंट ही थी, लेकिन उनके फैमिली के अनुसार इसके पीछे कोई पॉलिटिकल पावर का हाथ था। अब जरा इसे देखो, ये है फ्रांस राइकेल्ट, जिन्होंने पैराशूट का इन्वेंशन किया था, लेकिन 11 साल असफल ट्रायल्स के बाद भी वो अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए खुद आईफिल टावर से कूद गए। और उसके बाद क्या हुआ? क्या ये बच गए या इसी हादसे में इनकी मौत हो गई? आखिर इन सभी साइंटिस्टों के मौत के पीछे की वजह क्या है? पॉलिटिकल दुश्मनी या साइंटिस्ट की गलती? वेल, इन्हीं सवालों के जवाब आज हम जानने वाले हैं हमारे आज के इस रोमांचक वीडियो में, जिसका टाइटल है साइंटिस्ट हु वर किल्ड बाय देयर इनोवेशंस। चलो फिर शुरू करते हैं अपने पहले साइंटिस्ट लुई स्लॉटिन से, एक ऐसा कैनेडियन साइंटिस्ट जिन्होंने बाकी साइंटिस्ट की जान को फिशन रिएक्शन से बचाने के लिए खुद को प्लूटोनियम बॉम्ब के सामने झोंक दिया। Just imagine. हालांकि ऐसा करने से 9 दिन तक तड़पने के बाद उनकी मौत हुई, लेकिन वो दुनिया को यूरेनियम और प्लूटोनियम कोर्स, जो आज फिशन रिएक्शन में यूज होते हैं, वो देके चले गए। ऐसे होने के बाद जब इस दुर्घटना पे सर्चेस हुए, तब पता चला कि इस कहानी की शुरुआत तब हुई थी जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ था। वॉर में यूएस को बचाने के लिए साल 1946 में लुई स्लॉटिन, जो कि एक कैनेडियन फिजिसिस्ट और केमिस्ट थे, उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। एक ऐसा खुफिया प्रोजेक्ट जिसमें उन्होंने सबसे पहला न्यूक्लियर वेपन बनाया, एक प्लूटोनियम बॉम्ब, जिसका वर्किंग सिंपल था। दो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को आपस में मिला दो, उससे जनरेट होने वाली एनर्जी सब कुछ तबाह करके रख देगी। और इस पूरे वर्किंग को सेट करने के लिए उन्होंने यूज किए मेटल के दो हाफ स्पीयर, जिसमें से एक में उन्होंने भरा बेरिलियम कोर, जो कि एक न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर है, और दूसरे में प्लूटोनियम कोर। फिर इन दोनों स्पीयर्स को एक दूसरे पर प्लेस किया गया, लेकिन ऑब्वियसली पूरी तरह से नहीं, वरना वो वहीं पर फट जाता। उन्होंने दोनों स्पीयर्स के बीच में एक स्क्रू ड्राइवर रखा था ताकि वो आपस में ना मिले। लेकिन एक दिन जब वो अपना ये इन्वेंशन बाकी साइंटिस्टों को बता रहे थे, तब गलती से उनके हाथ से स्क्रू ड्राइवर फिसल गया और दोनों हाफ्स एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। अब दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के मिलने के बाद का रिएक्शन आप सोच ही सकते हो, एक्सट्रीम हीट और रेडिएशन, जो कि हुआ। पूरे रूम में हीट वेव्स फैलने लगे और रेडिएशंस की वजह से पूरा रूम ब्लू कलर में ग्लो होने लगा। इसका नतीजा काफी बुरा हो सकता था, लेकिन अपने बाकी कॉलीग साइंटिस्ट को बचाने के लिए लुई ने अपनी बॉडी से दोनों स्पीयर्स को कवर कर लिया और दोनों स्पीयर्स को अलग करने लगे। कुछ टाइम बाद उन्होंने दोनों स्पीयर्स को अलग तो कर दिया, लेकिन काफी ज्यादा रेडिएशंस के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से हॉस्पिटल में रेडिएशन पॉइजनिंग से उनकी जान चली गई। लुई स्लॉटिन की इस हीरोइक सैक्रिफाइस के बाद सभी लेबोरेटरीज को एक सीख मिली, जो थी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज करना। पर हाँ, इनके इस इन्वेंशन ने दुनिया को फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब दिया और यहीं से शुरू हुआ न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का सिलसिला, मतलब तबाही का सिलसिला। लेकिन एक तरफ जहां बॉम्ब्स बन रहे थे, दूसरी ओर यूएस में 20 दिसंबर 1951 को एक्सपेरिमेंटल ब्रीडर रिएक्टर 1 ये डेवलप हुआ था। सबसे पहला पावर प्लांट जो एटॉमिक फिशन के हेल्प से स्टेबल और यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर पाया। इसी पावर प्लांट के डेवलपमेंट को हम अपने इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, जहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का वो जरिया मिला जो ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, कोल से प्रोड्यूस होने वाले पॉल्यूशन से हर साल 25 लोग प्रीमेच्योरली मर जाते हैं। वहीं न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोड्यूस होने वाले वेस्ट से 0.07 डेथ होती है पर टेरावाट आवर, यानी 14 साल लगेंगे एक इंसान को मरने के लिए। मतलब आज हमारे पास एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट फिर भी हम सेफ नहीं है। रीजन, ब्लैक मार्केट। आज 2.55 ट्रिलियन डॉलर्स का पैसा ब्लैक मार्केट में है, जिसपे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल मनी है। तो चलो फिर अब जाते हैं हम हमारे अगले साइंटिस्ट पर, वैलेरियन एबाकोव्स्की, जो एक रशियन इन्वेंटर थे जिन्होंने साल 1917 में एक प्लेन ट्रेन हाइब्रिड का इन्वेंशन किया। एक ऐसा इन्वेंशन जिसमें हाई स्पीड रेल कार को एयरप्लेन इंजन और प्रोपल्शन सिस्टम के साथ फिट किया गया था। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूं तो आज इसे कोई देखता तो वो उसे चॉपर ही कहता। लेकिन सैडली इसके टेस्ट राइड के दौरान इंजन डीरेल होने की वजह से उसके इन्वेंटर की ही मौत हो गई। बट उनकी फैमिली को यह हादसा नहीं लगा, बल्कि पॉलिटिकल इरादों की वजह से उन्हें मारने की साजिश लगी।
मतलब बेसिकली वेलेरियन एबाकोवस्की के इस इन्वेंशन के पीछे का मेन मकसद था सोवियत ऑफिसर्स की जर्नी इजी करना। और इस इंजन के इन्वेंशन के बाद 1921 में किए हुए पहले ट्रायल में उन्हें सफलता मिली, जिसकी वजह से उन्होंने रशियन ऑफिसर्स को इस इंजन की सैर कराने का फैसला किया। और जुलाई 1921 में जब इस टेस्ट ड्राइव की शुरुआत हुई तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही वो मॉस्को से 111 किलोमीटर दूर गए उनका ये इंजन डीरेल हो गया और उस पे मौजूद 6 VIPs और वेलेरियन एबाकोवस्की की जगह पर ही मौत हो गई। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि उनके इंजन में हुई खराबी के कारण उनकी मौत हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ कहानी कुछ और ही चल रही थी। उनके फैमिली का कहना था कि यह एक्सीडेंट एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी, पॉलिटिकल दुश्मनों के चलते यह हादसा किया गया, लेकिन इस बात को साबित करने का कोई सबूत नहीं होने की वजह से यह केस बस एक फाइल में ही कैद होकर रह गया। क्या सभी इन्वेंटर्स की मौत एक्सपेरिमेंटल फॉल्ट की वजह से ही होती है या कोई उन पर बाहरी दुश्मनी भी निकाल रहा होता है? Well, ऐसे कई इन्वेंटर्स हैं जिनके सक्सेसफुल इन्वेंशंस के बावजूद भी उनसे हुई एक गलती उनके मौत का कारण बन जाती है, जैसे कि विलियम बुलक। December 30, 1862 में विलियम बुलक ने रिचर्ड मार्च होज के रोटरी प्रिंटिंग प्रेस में इंप्रूवमेंट करके दुनिया के सामने पहला वेब प्रेस पेश किया, जिसकी मदद से पेपर के दोनों साइड प्रिंटिंग पॉसिबल हो पाया और साथ ही इसके ग्रेट स्पीड और एफिशिएंसी की वजह से प्रिंटिंग इंडस्ट्री इवॉल्व हुई। विलियम बुलक के इस इन्वेंशन के बाद मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ गई, अलग अलग कंट्रीज अपने न्यूज़पेपर को प्रिंट करवाने इसका यूज करने लगे। लेकिन एक दिन April 3, 1867 में जब वो अपने इस इन्वेंशन को द फिलाडेल्फिया पब्लिक लेजर न्यूज़पेपर एजेंसी में इंस्टॉल कर रहे थे, तब इस इंस्टॉलेशन के दौरान उनका पैर मशीन के चलते रोटर्स के बीच में फंस गया, जिसके बाद क्या हुआ होगा ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने मौत सोचा तो आप गलत हो, क्योंकि इस हादसे में सिर्फ उनका एक पैर बुरी तरीके से चकनाचूर हो गया था, पर जब इस घटना से उनके पैर में गैंग्रीन हुआ और वो उसका ऑपरेशन करवाने हॉस्पिटल पहुंचे तब ऑपरेशन के बीच में ही उनकी मौत हो गई। अब क्या उसके पीछे का रीजन एक्सेस ब्लड लॉस था या कुछ और, ये तो गूगल को तक नहीं पता है, बट हाँ उन्हीं के इन्वेंशन ने उनकी जान जरूर ले ली। नाउ लेट्स जंप ऑन टू आवर साइंटिस्ट नंबर 4, जो इन्वेंशन तो नहीं पर हाँ अपनी डिस्कवरी के वजह से मारी गई, और वो और कोई नहीं बल्कि मैरी क्यूरी है, जिन्हें मैडम क्यूरी के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया की पहले वुमेन साइंटिस्ट जिन्हें अपने रेडियम और पोलोनियम के डिस्कवरीज के लिए 9 साल के अंदर 2 बार नोबेल प्राइजेस से नवाजा गया था। पर वो जिस रेडियो एक्टिव मटेरियल पर काम कर रही थी वो कितना डेंजरस था शायद उन्हें उसका इतना अंदाजा नहीं था, और यही डिस्कवर किया हुआ रेडियम और पोलोनियम उनकी जान का दुश्मन बन गया, और साल 1934 में उनकी एप्लास्टिक एनीमिया की वजह से दर्दनाक मौत हो गई। अब ये कैसे हुआ ये सोच रहे हो, राइट? वेल, कहानी शुरू होती है साल 1896 में, जब हेनरी बेक्यूरेल ने दुनिया को यूरेनियम से पहली बार वाकिफ कराया था, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि यूरेनियम तो मिल गया, अब बची हुई ओर उनके कोई काम की नहीं, और इसीलिए उन्होंने उस रेडियो एक्टिव मटेरियल से भरी हुई ओर को ऐसे ही फेंक दिया। पर ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, और फिर 1898 में उनके इस बचे हुए ओर के बारे में पता चलते ही मैडम क्यूरी ने उनके इस ओर को पेरिस मंगवा लिया और उस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। जैसे उनका एलिमेंट एक्सट्रैक्शन का मिशन शुरू हुआ उन्होंने 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिस्कवर किए जो थे रेडियम और पोलोनियम, और उनकी इस डिस्कवरी की सफलता को देखकर उन्हें साल 1903 में फिजिक्स और साल 1911 में केमिस्ट्री फील्ड में नोबेल प्राइजेस देकर सम्मानित किया गया। इन एप्रिसिएशंस ने उन्हें और डिस्कवरीज करने के लिए मोटिवेट किया, और उन्होंने रेडिएशन फिनोमेनन पर काम करना शुरू कर दिया, जिसके लिए वो कंटिन्यूअसली उस पर रिसर्च करने लगे। लेकिन अब तक उन्हें इन एलिमेंट से निकलने वाले रेडिएशंस ह्यूमन बॉडी के लिए कितने डेंजरस है उसकी कोई भनक नहीं थी, और इसीलिए बिना किसी प्रिकॉशंस के वो एलिमेंट्स को हाथ लगाने लगे, रिसर्च के लिए उन्हें दिन रात जलाने लगे, और तो और उनमें से निकलने वाले वेपर्स में दिन गुजारने लगे। आज हम सब जानते हैं रेडिएशंस का क्या असर होता है, ऐसा ही कुछ उनके साथ होने लगा, उनके बॉडी ने उनका साथ देना बंद कर दिया, उनकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी, और जब तक उन्हें इस हालत खराब होने के पीछे की असली वजह समझती तब तक काफी देर हो गई थी। रेडिएशंस ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था, रेडिएशंस के कारण उनकी आंखों ने काम करना बंद कर दिया था, हाथों पर असर होने लगा, बॉडी में नया खून बनना बंद हो गया, और साल 1934 में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। अब जरा इन्हें देखो, ये एक फ्रेंच टेलर और इन्वेंटर थे जिनका खुद का इन्वेंशन और उसके साथ ही उनकी खुद की गलती उनके मौत का कारण बनी थी।
फ्रांस राइचिल्ड, जो इस इन्वेंशन के कर्ता धर्ता थे। उनका कहना था कि उस समय ऐसे कई पैराशूट थे जो सक्सेसफुली उड़ान भर तो रहे थे, लेकिन ऐसा एक भी पैराशूट नहीं था जिसकी मदद से एयरप्लेन और लोअर ऑल्टीट्यूड से जंप मारने के लिए यूज किया जा सके। और तो और उस समय इतने एक्सीडेंट्स हो रहे थे कि उसमें हर एक एविएटर और एरोनॉट की मौत हो रही थी। और इन्हीं सब हादसों को टालने के लिए उन्होंने ह्यूमन पैराशूट बनाने का सोचा, जिसकी मदद से एविएटर्स कभी भी अपनी फ्लाइट से सेफली कूद सकते थे। और उन्होंने ऐसा सूट बना भी लिया, लेकिन 11 बार उस एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। और हाँ, उन्होंने ये सब एक्सपेरिमेंट डमीज के साथ किया था। लेकिन इतने अनसक्सेसफुल इन्वेंशंस के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, वो उस पर इंप्रूवमेंट्स पर इंप्रूवमेंट करते गए, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन एक दिन उन्होंने इस पैराशूट सूट को आईफिल टावर पर यूज करने का सोचा। और हालांकि असफल इन्वेंशन के बावजूद भी उन्हें उसके लिए परमिशन मिली, लेकिन किसी को यह खबर नहीं थी कि इस बार कोई डमी नहीं बल्कि वो खुद उस पैराशूट सूट को यूज करके टावर पर से कूदने वाले थे। जब वो बात सबको पता चली तब सबने मिलके उनको बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी की एक बात नहीं मानी और ऊपर से नीचे सीधा छलांग लगा लिया। हमेशा की तरह इस समय भी पैराशूट ओपन होता उससे पहले ही ये जमीन से जा टकरा गए और जगह पे उनकी मौत हो गई। वेल, सिर्फ इनके ही सपने नहीं बल्कि ऐसे कई और भी साइंटिस्ट हैं जो अपना सपना पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उनका ये इन्वेंशन ही एक दिन उनकी जान ले सकता है। पर साइंटिस्ट फिर भी नहीं रुकते, अपनी लाइफ आसान करने के लिए वो नई नई चीजों के खोज के पीछे लगे रहते हैं। उनके अनुसार नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब कोई भी चीज तभी इन्वेंट होती है जब हमें उसकी जरूरत हो, और फिर चाहे उसे इन्वेंट करने के लिए पागलों की हद तक भी क्यों ना जाना पड़े। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या जुनून इस पागलपन की हद तक होना चाहिए कि अपनी ही जान को जोखिम में डाल रहे हो आप इन्वेंशन के लिए? कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो योर ओपिनियन। और इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और अब फ्रेंड्स, जाने से पहले वजीर एक्स के ऑफर्स तो याद है ना। ऑफर 1, जिसमें 3rd मार्च से 31st मार्च के बीच हाईएस्ट ट्रेडर कौन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो और टोटल प्राइजेस आर वर्थ ₹6 करोड़। ऑफर 2, वजीर एक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे उनके मर्च 50% ऑफ में मिल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वजीर एक्स को डाउनलोड करो और उनके दोनों ऑफर्स का फायदा उठाओ। See you another one, friends. Till then, stay curious, keep learning, keep growing. Jai Hind.